क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुस्लिम देश में हिंदुओं का मंदिर बनवाया जाएगा, वो भी भव्य और विशाल मंदिर? और तो और कभी आपने ये सोचा था कि उस भव्य विशाल मंदिर का उद्घाटन होगा भारत के प्रधानमंत्री के हाथों से? लेकिन ऐसा होने वाला है यूएई की राजधानी अबू धाबी में। इस मुस्लिम देश में रेगिस्तान के बीच जल्द ही घंटों की आवाज सुनाई देगी, शंखनाद होगा, आती होगी और इन सब की शुरुआत होगी भारत के साधु सन्यासी और देश के प्रधानमंत्री के हाथों से। इस वीडियो में बात करते हैं इसी मंदिर के बारे में, साथ ही आपको उस 27 साल के संघर्ष की कहानी बताएंगे जिसके बाद अब जाकर यह मंदिर तैयार हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। इस भव्य नकाशीदार मंदिर को अबुधाबी के अबू मुरिखा इलाके में बनाया गया है, जो पश्चिमी देश का पहला हिंदू मंदिर है। ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम देश में बना पहला विशाल हिंदू मंदिर है, जिसे बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस मंदिर को गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर के इस्तेमाल से बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण कराया है BAPS स्वामीनारायण नाम की एक संस्था ने। चलिए आपको इस मंदिर की विशेषताएं भी बताते हैं। पश्चिमी एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर को 27 एकड़ जमीन में बनाया गया है। मंदिर में 96 स्तंभ और 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, लंबाई 262 फीट और चौड़ाई 180 फीट की है। जयपुर के गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर के निचले तल में 18 लाख ईंटों से अभिषेक मंडपम बनाया गया है। मंदिर के बाहरी हिस्से में रामायण की कहानियों की नक्काशी की गई है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, राम वन गमन, लंका दहन, राम रावण युद्ध जैसे प्रसंगों की भी नक्काशी हुई है। मंदिर में 7 शिखरों का निर्माण किया गया है और सातों शिखर में 7 देवी देवताओं की नक्काशी है। मंदिर में सरस्वती नदी का स्वरूप बनाया गया है। बनारस की गंगा आरती के तर्ज पर हर शाम यहां आरती की जाएगी। मंदिर में 13 एकड़ का पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। मंदिर को 3 सालों में 2000 से ज्यादा कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। खुद PM नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और पूरे विधि विधान से इस मंदिर की भव्य पूजा करेंगे। हफ्तों पहले से यहां साधु सन्यासियों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज यहां पहुंच चुके हैं, जिनका अबू धाबी के शेखों ने अपनी परंपरा के मुताबिक स्वागत किया है। BAPS संस्था ने बताया कि मंदिर इतना मजबूत है कि 1000 सालों तक इसे कुछ भी नहीं होगा। अबू धाबी में पड़ने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए इसमें ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि मंदिर अंदर से ठंडा बना रहे। अभी कुछ दिनों पहले ही अबू धाबी की सरकार ने 42 देशों के राजदूतों को इस मंदिर का टूर कराया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस मंदिर में पहुंचकर भारत के राजदूत ने कहा कि पहले तो ये असंभव लग रहा था, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। अब लोगों को इंतजार है 14 फरवरी का, जब पीएम मोदी और स्वामी महाराज रेगिस्तान के बीच मौजूद इस भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे और पूरा रेगिस्तान शंखनाद, घंटों की आवाज और भगवान की आरती से गूंज उठेगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।